गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेकअप लवर 20। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। ये मेरा विंटर ग्लोवी मेकअप लुक है, तो एवरी डे मेकअप लुक है। इस मेकअप लुक को आप एवरी डे कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में, और ऑफिस कॉलेज के लिए भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे लुक इस लुक को मैंने क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैंने फेस पे टोनर अप्लाई किया है। ये गुड वाइब्स का टोनर है, ये गुड वाइब्स का तुलसी नीम टोनर है। ये मेरा रोज हिप का सीरम है। तो विंटर में ना स्किन पे मेकअप से पहले कोई भी मेकअप स्किन केयर, ये स्किन केयर जो मैं दिखा रही हूँ, ये मॉर्निंग और नाइट दोनों में भी कर सकते हो। और स्किन केयर करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने फेस पे सीरम अप्लाई किया, गुड वाइब्स का। ये रोज हिप सीरम है, काफ़ी अच्छा सीरम होता है। ड्राई स्किन वाले काफ़ी अच्छा होता है। ऑयली स्किन पे हो सकता है कि थोड़े से पिंपल्स वगैरह हो जाए, लेकिन आप एक बार यूज़ करके देखना। ये मेरा आलमंड ऑयल है, ये भी गुड वाइब्स का ही है। तो विंटर में ना ड्राई स्किन वाले के लिए ये सब फेशियल ऑयल भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इनका स्किन तो ड्राई होता ही है। ये फेशियल ऑयल काफ़ी अच्छा होता है, आप इसे यूज कर सकते हो। तो फेशियल ऑयल विंटर में लगाना चाहिए। और ये मेरा प्राइमर है इनसाइड का। तो मैं ये सिर्फ 5 मिनट में मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। फटाफट से आप रेडी हो सकते हो, इस तरह से अपने ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए इस तरह से तैयार हो सकते हो। इजीली मेकअप लुक है, ये सिंपल है। डेली वेयर में इस मेकअप लुक को आप कर सकते हो। तो मैंने प्राइमर को लगा लिया है। अब मैं ये स्क्रीन वर्की का मेरा फाउंडेशन है, इस तरह से मैं बैक ऑफ हैंड पे रख के थोड़ी से इस तरह से मिक्स कर दूँ, ताकि ये ब्लेंड होने में इजीली हो जाए। इस तरह से करोगे ना आपका फाउंडेशन इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो ये मीडियम कवरेज देता है ये फाउंडेशन, ऐसा नहीं कि हाई कवरेज देगा, ये मीडियम कवरेज देगा। डेली वेयर के लिए फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है। तो इस फाउंडेशन को आप ये ले सकते हो, डेली वेयर के लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसे हाई कवरेज देगा, ये आपको डेली वेयर के लिए फाउंडेशन अच्छा लगा मुझे। ये अब मैं कंसीलर तो अगर चाहे तो आप कंसीलर लगा भी सकते हो डेली वेयर में मेकअप पे, या फिर स्क्रीप कर सकते हो। तो मेरे फेस पे कहीं कहीं पर थोड़े से स्किन डार्कनेस थे, तो मैंने वहाँ पे कंसीलर लगा लिया है। आप इसे स्क्रीप भी कर सकते हो अगर आपके फेस पे डार्कनेस नहीं है, पिंपल्स वगैरह नहीं है। तो मेरे फेस पे थोड़े से स्किन अनइवन थे, तो वहाँ पर मैंने लगा लिया है और उसे अच्छी तरह से हाइड कर लिया है इस कंसीलर के हेल्प से और ब्यूटी ब्लेंडर से। अब मेरा ये कॉम्पैक्ट का ये पर्पल का कॉम्पैक्ट, इससे अपने बेस को अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ। तो आप लोग को मेरा मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं देख वीडियो तो देख लेते हो। अब मैं इस लिपस्टिक को ये ऑरेंज लिपस्टिक है, तो एज ए ब्लश तरह वैसे यूज कर लूँगी, देख सकते हो। तो देखिए ब्लश की तरह कितना अच्छा से यूज ब्लेंड भी हो जा रहा है ये। तो इसे मैं आई मेकअप के लिए यूज करूँगी हल्का सा, और इसे ब्लश की तरह भी यूज कर रही हूँ। तो कम से कम प्रोडक्ट में आप इस तरह से मेकअप लुक कर सकते हो और फटाफट से मेकअप लुक क्रिएट कर मेकअप कर सकते हो डेली वेयर के लिए। तो मैंने थोड़ा सा आई मेकअप मैं कुछ नहीं करना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा सा ना लगाने पर थोड़ा सा अच्छा लगता, थोड़ा सा आँखें ज़्यादा थोड़ी अच्छी लगेगी। तो मैंने फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था, फिर मैं ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। और फिर से मेरा हाईलाइटर है, तो बिना हाईलाइटर का कोई भी मेकअप कंप्लीट मेरे अनुसार तो नहीं है। आप लोग बताइएगा आप लोग को बिना हाईलाइटर के, विदाउट हाईलाइटर आप लोग मेकअप करते हो? तो मैं सिंपल भी मेकअप करती हूँ, हाईलाइटर जरूर यूज़ करती हूँ। अब मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को अच्छी तरह से सेट कर ली, इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब कर, ताकि एक्स्ट्रा जो भी हो इस ब्लेंडर से निकल जाए। अब मैं काजल लगा रही हूँ, मेरा लैक्मी का काजल है, तो काजल लगा रही हूँ अपने वाटर लाइन पर। अब मैं अपर लाइन पे भी काजल ही यूज करूँगी, मैं कोई लाइनर यूज नहीं करूँगी। इसी को मैं अपन अपर लोअर लैप पे भी इसी काजल को यूज कर लूँगी। इसी लिपस्टिक जिससे मैंने ब्लश लगाया था फेस पे, उसी लिपस्टिक को मैं अपने लिप पे कर ली। अब मैं अपने आईब्रो फिलिंग करना भूल गई थी, तब बिना आईब्रो फिलिंग का तो कोई भी मेकअप नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आईब्रो जो होता है आपके मेकअप से चार चांद लगा देता है आपका आईब्रो। किसी भी मेकअप, सिंपल मेकअप करो या फिर हैवी मेकअप, कोई भी मेकअप करो। अब मैं स्पूली की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर ली। तो ये मेरा मेकअप कंप्लीट है। तो आप देख सकते हो कि मेकअप लुक मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप ये मेकअप लुक आप लोग को पसंद आया होगा। इजीली यह 5 मिनट की ईजी मेकअप लुक है। तो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।